दोस्तों, एक दिन कुछ अजीब डॉक्टर ने कुछ जानवरों के अंग निकालकर उन्हें एक आदमी के अंदर डाल दिया। इससे वो आदमी तो बच गया, लेकिन उसके अंदर उन सारे जानवरों की खासियतें आ गईं जिनके अंग उसके अंदर थे। डॉक्टर ने उसके प्राइवेट पार्ट को घोड़े का बना दिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि जब वो बकरी या बंदर को देखता तो उसका वो हिस्सा जोर से प्रतिक्रिया देने लगता। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक ओवन आई है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो आंखों में पट्टी बांधे और नाक में क्लिप लगाए सोकर उठता है। ब्रश करते समय वो टीवी पर न्यूज सुनता है जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम लोला है पिछले एक साल से एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी, मतलब वो पेड़ को कटवाना नहीं चाहती थी, अब वो पेड़ से उतर चुकी है। हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम अरविंद है और वो लोला से प्यार करता है। अरविंद लोला को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्योंकि उसका बाप एक पुलिस ऑफिसर था और वो भी अपने बाप की आत्मा की शांति के लिए एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। हर रोज जॉगिंग करते वक्त एक आदमी था जो एक तंग कब्र में था, वो हाथ में डबल लेकर आगे निकल जाता था। खैर, पुलिस स्टेशन में वो चपरासी से भी घटिया काम करता था, जहां उसे सभी पुलिस ऑफिसर्स की बातें सुननी पड़ती थीं और उनके टट्टे भी साफ करने पड़ते थे। लेकिन उसे बड़ा ऑफिसर बनना था, इसलिए वो पुलिस एग्जामिनेशन की फिजिकल ट्रेनिंग में जाता था, जहां बुजुर्ग आदमी से लेकर मोटी औरत तक सब थे। जब वो अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर रहा था, तभी वो मोटी औरत के पिछवाड़े में घुसते-घुसते बच जाता है। वो औरत कहती है, क्या देख रहा है? कभी किसी का सामान नहीं देखा क्या, जिसके बाद सब कुछ शुरू हो जाता है? और वो बड़ी पिछवाड़ा वाली औरत भी उसे पीछे छोड़ देती है। आगे उसे एक बूढ़ी औरत से बचकर निकलना था, लेकिन यहाँ पर बीमार भी उसे बूढ़ी के हाथों पिट जाता है। किसी तरह वो गुड़िया के मुंह पर धूल डालकर आगे बढ़ जाता है। वहाँ सब बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर उन पर गोली चला रहा था और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। मार्विन अपने बुलेट प्रूफ जैकेट को लंगोट की तरह पहन लेता है और अपने शरीर पर गोलियां खाता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी वो इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाता और उसका पेशाब निकल जाता है। आगे रात में पार्टी के दौरान उसका सीनियर उसका मजाक उड़ाता है। इसी बीच उसका दोस्त बेताल बोलता है कि वो कला है, इसलिए सब लोग उसे इज्जत देते हैं और वो कुछ भी कर ले उसे सजा नहीं मिलती। फिर बाथरूम में मार्विना एक जोरदार आवाज करता है और वहीं पर लोला भी आ जाती है। मार्विन बोलता है, मैंने किसी को देखा नहीं था, इसलिए मैंने आवाज की थी। लोला जवाब देती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो सब करते हैं। असल में लेडीज बाथरूम में बहुत भीड़ थी तो मैंने सोचा कि आज यही कर लेती हूँ। खैर, फिर मार्विन घर जाता है। पहुंच कर वो एक सप्लीमेंट का एड देखता है जो एक जानवर के दूध से बना था। उसे खाने से इंसान के अंदर हाथियों जैसी ताकत आ जाती है। उसकी हड्डियां कमजोर हो रही थीं, तो वो तुरंत ऑर्डर कर देता है। अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन में सानों की हिसाब किताब कर रहा था, तभी उसका दोस्त कहता है, मार्विन जरा मेरे टेबल पर ध्यान दे, मैं नीचे सॉफ्ट बॉल खेलने जा रहा हूँ। फिर मार्विन वहां से निकल जाता है और स्टेबल में बैठ जाता है। इसी बीच उसे एक रेस्टोरेंट से किसी आदमी का कॉल आता है, सर जल्दी आइए मेरे रेस्टोरेंट गली नंबर 420 में, यहाँ कुछ लुटेरे मुझे लूटने आए हैं। मार्विन कहता है, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, आपके ऑरेंज फ्लेवर ग्रीन के मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद सर, मेरा खाना आपको बहुत पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर गोली चल रही है, कोई मुझे बचाओ। मार्विन तुरंत कॉल काट कर सभी पुलिस ऑफिसर्स को ये बात बताता है, लेकिन सभी पुलिस ऑफिसर्स सॉफ्टबॉल खेलने में व्यस्त हैं, इसलिए मार्विन खुद उस आदमी को बचाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच रास्ते में उसके कर के सामने एक जंगली जानवर आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश में वो सीधा गहरे में गिर जाता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी गाड़ी बर्बाद हो चुकी थी, तभी एक बड़ा सा पत्थर आकर उसके ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसके कमजोर शरीर में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। रात को एक जानवर उसे गाड़ी से निकालकर अपने साथ ले जाता है। जब वो होश में आता है तो अपने आसपास
कई सारे जानवरों को डॉक्टर और नर्स के कपड़े पहने हुए देखता है और फिर वो फिर से बेहोश हो जाता है। आगे जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अभी भी जंगल में पड़ा हुआ है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके शरीर में कई सारे बदलाव आ चुके हैं और वो काफी तगड़ा बन गया है। जब वो अपने काम यानी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो पिछले 8 दिनों से वहां नहीं आया था, मतलब वो 8 दिनों से बेहोश पड़ा था। उसके दोस्त जब इसके बारे में उससे पूछते हैं तो वो बात को टाल देता है। अगले दिन वो इस तरह से जॉगिंग करता है जैसे उसने शिलाजीत का पूरा डिब्बा ही खा लिया है। इस बार वो डबल लेकर दौड़ने वाला बुड्ढा भी पीछे छूट जाता है और घोड़े से भी तेज दौड़ता है। आगे वो लोला को देखता है जिसे 3 कुत्ते खींचकर ले जा रहे हैं। जब वो कुत्तों के पास जाते हैं तो तीनों कुत्ते चुप हो जाते हैं। मार्विन कहता है, हे, मेरा नाम मार्विन है। लोला जवाब देती है, हाँ, तुम तो वही आदमी हो जिसने बाथरूम में पद मारा था। फिर लोला उससे कहती है कि उसे जानवरों के साथ रहना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ मार्विन एक कुत्ते को खेलते हुए देख रहा था और उसमें भी कुत्ते जैसे ही लक्षण नजर आ रहे थे। वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और कुत्ते की तरह हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर लोला को बहुत हंसी आती है और वो सोचती है कि ये तो पूरा बकलोल है। फिर जब वो अपने दोस्त बेताल के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि बेताल अब एयरपोर्ट का इंचार्ज बन गया है। क्योंकि वो कूल है, वो सिगरेट पीते हुए पैसेंजर पर धुआं उड़ाता है और लोग उसे कुछ नहीं कहते। इसी दौरान मार्विन एयरपोर्ट में एक ड्रेस वाली महिला को देखता है और कुत्तों की तरह सुनते सुनते वो ड्रग्स रखने वाले आदमी के पास पहुंच जाता है। पुलिस कुत्तों की तरह उस पर झपटने लगती है। जब उन दोनों को छुड़ाना होता है तो मार्विन पुलिस से पूछता है कि किस आदमी के पास ड्रग्स हैं। ये सुनकर पुलिस उस आदमी को अच्छी तरह से चेक करती है लेकिन उन्हें कहीं भी ड्रग्स नहीं मिलता। फिर मार्विन उस आदमी को पीछे की तरफ घुमा देता है और उसके पिछवाड़े में हाथ डालकर पीछे के छेद से ड्रग्स का थैला निकाल लेता है। उसकी इस हैरतअंगेज हरकत की वजह से वो रातों रात मशहूर हो जाता है और शरीफ उसे एक छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर लेते हैं। इस सिलेक्शन के दिन वहाँ सभी मीडिया वाले बैठे हुए थे। इसी बीच एक न्यूज रिपोर्टर मार्विन से पूछता है, सर, क्या ये सच है कि आप किसी के भी पिछवाड़े को सुनकर बता सकते हैं कि उसमें क्या है? दूसरा रिपोर्टर बोलता है, सर, क्या आप बिना पिछवाड़ा सूंघे भी कुछ बता सकते हैं? तीसरा कहता है, सर, मैं जी न्यूज से आया हूँ, क्या आप बता सकते हैं मेरे पिछवाड़े में क्या है? रात को जब मार्विन अपने घर लौट रहा था तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है, हेलो मार्विन, मेरा नाम डॉक्टर ब्लू है और मैं सबको चिपकता हूँ। मार्विन कहता है, नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। जिसमें डॉक्टर ग्लू कहता है, मार्विन, मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने तुम्हारी सर्जरी की थी। उस दिन एक्सीडेंट में तुम पूरी तरह से लुढ़क गए थे और तुम्हारे कई सारे बॉडी पार्ट्स भी काम करना बंद कर चुके थे, इसलिए मैंने जानवरों के बॉडी पार्ट्स को तुम्हारे अंदर चिपका दिया और तुम ठीक हो गए। ये सब सुनकर मार्विन समझ जाता है कि इसी वजह से वो लोगों की पिछवाड़ा से सनक रहा है। डॉक्टर ब्लू कहता है, देखो मार्विन, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना तुम अनर्थ कर बैठोगे। पर मार्विन जब उसके साथ जाने से मना कर देता है, डॉक्टर ग्लू मार्विन को बेहोश करके अपने चैम्बर में ले आता है। जब मार्विन होश में आता है तो डॉक्टर ग्लू उसे अपनी एनिमल कलेक्शन दिखाता है जिसमें उसने मार्विन के शरीर के अंग लगाए हैं। डॉक्टर ग्लू मार्विन से ये भी कहता है कि अब से उसे उसी के साथ रहना होगा वरना बाहर जाकर वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर मार्विन बीमार होकर भी नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसका सीनियर सर्च उसे अपने सामने बैठा कर खुद चिकन लॉलीपॉप खाने लगता है और उसे गालियां देता है। उसके जाते ही वो बिना लॉलीपॉप के टंगड़ी को डस्टबिन से उठाकर खाने लगता है क्योंकि उसमें अभी जानवरों के बॉडी पार्ट्स लगे हुए हैं। आगे रास्ते में जब गाड़ी चल रही थी तभी उसे एक लड़की की खुशबू आती है और उसका नीचे का हिस्सा, जिसे डॉक्टर ने घोड़े का कहा था, वो दम तोड़ने लगता है। वो खूबसूरत लड़की को देखकर अपने घोड़े के सामान को डस्टबिन में रगड़ने लगता है। दूसरी तरफ आते जाते लोग ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। फिर वो लोला के पास यानी उसके पेट शेल्टर में जाता है
जहाँ पर उसके अंदर का जानवर उसके ऊपर है। वहाँ एक आदमी अपने पेट से भरी भिंडी निकालकर एक शुतुरमुर्ग के बच्चे को खिलाता है। यह देखकर लोला समझ जाती है कि यह सच में पूरा बकलोल है। फिर वहाँ एक बंदर मार्बल को देखकर सोचता है कि शायद यह उसके मौसी का बेटा है, इसलिए वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। मार्विन भी उस पर गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब मार्विन उठता है तो वह खुद को एक दुकान पर पाता है और उसका पेट फुला हुआ होता है, जिससे वह समझ जाता है कि कल रात उसके अंदर क्या हुआ था। मौजूद जानवर उस पर हावी हो गया था, इसलिए वह तुरंत वहां से भागकर जंगल में डॉक्टर ब्लू के केबिन पहुंच जाता है। वहां पहले वो एक्सरसाइज करके अपने पेट को कम करता है और फिर डॉक्टर ग्लू को इस परेशानी के बारे में बताता है। वो कहता है, सुनिए डॉक्टर, आपने सही कहा था, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। इसके बाद वो अपने मुंह को खुजाने लगता है, इसलिए डॉक्टर ब्लू उसे मुंह पर एक कवर चढ़ा देता है। फिर डॉक्टर उसे भरपेट खाना खिलाकर कहता है, देखो मार्जिन, तुम्हारे अंदर के जानवर को काबू में रखना है। करने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हें हर वक्त अपनी भूख और प्यास को मिटाते रहना होगा। खाना तो तुम्हें मिल ही जाएगा और प्यास बुझाने के लिए तुम इसका सहारा ले सकते हो। इसके बाद डॉक्टर ग्लू उसके सामने उसे बंदरिया को पैंट पहनाकर लाता है, लेकिन मार्विन उसके साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उसका सीनियर सरजू उसे एक बकरी के मालिक के पास ले जाता है। दरअसल पिछली रात उनकी एक बकरी चोरी हो गई थी, इसीलिए सर्च उसकी रिपोर्ट लिखने आया था। वहीं मार्विन एक बकरी को बंधा देखता है और उसके अंदर हवस जाग जाती है, जिससे वो उसे बकरी के पीछे पड़ा हुआ देखता है, लेकिन वो बकरी उसे अपनी तरफ नहीं आने देती और लात मारकर दूर फेंक देती है। फिर जब दोनों मिनिस्टर के घर एक पार्टी में जा रहे होते हैं तो रास्ते में सर्च लोला को देखकर गाड़ी रोकता है और उसे पटाने की कोशिश करता है, लेकिन लोला को तो मार्विन का ही चक्कर था, यानी वो मार्विन से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो मार्विन से रात में डेट पर चलने के लिए कहती है, जिसमें मार्विन भी हाँ कर देता है। फिर दोनों मिनिस्टर के घर में पार्टी में जाते हैं। मार्विन पार्टी में पहुंच जाता है, जहां वो मुफ्त का खाना खाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और मुंह उठाकर फिर से पार्टी के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसकी अंदर की जानवरियत फिर से जाग जाती है और वो पार्टी को बर्बाद कर देता है। इस वजह से मंत्री उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। इसी बीच मार्विन को फिर से खतरा महसूस होता है और वो भागकर पानी में डुबकी लगा देता है। हम देखते हैं कि वो पानी में मछली की तरह तैर रहा है। मंत्री के बेटे के पास पहुंच जाता है, जो पानी में डूब गया था, और उसे बचाकर ऊपर ले आता है। अब उसे बचाने के बाद वो सबको पानी में करतब दिखाता है और सब लोग उसे देखकर तालियां बजाते हैं। उसी रात उसके ऊपर फिर से जानवर भी होता है और वो एक भैंस के तबले में जाकर कुछ जानवरों को कच्चा ही खा जाता है। अगली सुबह पुलिस का इंस्पेक्टर अपने केबिन में बुलाता है, क्योंकि जिस तबले में वो अगली रात घुसा था उसने उसका शैतान का एक स्केच बनाया था, जो देखने में बिल्कुल मार्विन की तरह था। इंचार्ज मार्विन से पूछता है, मार्विन, क्या तुम टोना टोटका करते हो? मार्विन कहता है, नहीं। तो जो वहां पर मौजूद खाने को चट कर जाता है। हम देखते हैं कि वो खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है और पूरा खाना साफ कर देता है। ये देखकर इंचार्ज उसे एक महीने के लिए आराम दे देते हैं। अगले दिन लोला जब मार्विन से मिलने उसके घर आती है, तब वो देखती है कि मार्विन ने उसके घर को जंगल बना दिया है। वो लोला को अपने रूम में बुलाकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि एक्शन की डॉक्टर ने उसके अंदर जानवरों के बॉडी पार्ट्स लगा दिए हैं और उसके नीचे वाला हिस्सा तो घोड़े का है। मार्विन लोला से कहता है कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि रात में वो उसके ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन लोला वहां से नहीं जाती। इसके बाद मार्विन उसे घुमा घुमा कर अपनी बात मानने की पूरी कोशिश करता है और आखिर में वो लोला को अपना लोला दे ही देता है। अगली सुबह पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मार भी वो शैतान है जो जानवरों को खाता है। अब पुलिस की आवाज सुनकर मालवीय अपनी जान बचाने के लिए मेंढक की तरह कूद कूद कर वहां से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे चलते हैं, इसी वजह से
वो जंगल के अंदर काफी गहरा चला जाता है। रास्ते में उसे डॉक्टर ग्लू मिलता है, जो एक लड़की की तलाश में है, जिस पर उसने भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था। फिर मार्विन उन्हें लेकर भागने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में डॉक्टर की टांग में मोच आ जाती है, इसीलिए मार्विन अकेले ही वहां से भागने लगता है। आगे जाकर उसे ऑफिसर सर्च पकड़ लेता है और उससे अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन तभी ऊपर से कोई अनजान चीज ऑफिसर सर्च पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। हम देखते हैं कि वो अनजान चीज और कोई नहीं बल्कि लोला थी, जिसके अंदर डॉक्टर ने जानवर के बॉडी पर्स लगा दिया था। यहाँ पर लोला भी अपनी दिल की बात और सच बता देती है, जिसके बाद वो दोनों चुमन छपाटी करने लगते हैं। तभी पुलिस और कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जो उन्हें पकड़ने आते हैं। लेकिन तभी मार्विन का दोस्त बेटा लाकर कहता है कि वो शैतान और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। अब क्योंकि वो काला था, इसीलिए सब लोग चुप हो जाते हैं और उसे कुछ नहीं करते। असल में यहाँ के लोग काले लोगों को बहुत इज्जत देते हैं और यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट में काले लोगों के लिए कोई सजा नहीं है। खैर, आगे देखते हैं कि मार्विन लोला से शादी करके उसके पेट शेल्टर को चलाने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।